हेलो, दिस इज़ नेहा. वेलकम टू माय चैनल. इट्स नेहा व्लॉग्स अबिडजान. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुपर हेयर मास्क बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत यूज़फुल है होगा आपके हेयर के लिए. स्पेशली इन विंटर्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा और आपकी मैक्सिमम हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जैसे कि फ्रीजी हेयर, डैंड्रफ, और आपको एक सुपर शाइनी एंड स्मूथ हेयर प्रोवाइड करेगा. सो बेसिकली देखा जाए तो ये हेयर मास्क आपके टोटल रिपेयर मास्क के तरीके से आपको यूज़ होगा. तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनता है ये हेयर मास्क. तो यहाँ बाउल में मैंने एक एवोकाडो लिया हुआ है, जिसको कि मैंने मैश कर लिया है अच्छे से. आप चाहें तो ब्लेंडर की सहायता से भी इसको मैश कर सकते हैं. और मैं यहाँ पे फिगारो का ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ और ये मैं रॉ हनी ले रही हूँ. तो आप कोई भी ऑलिव ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच फिगारो का ऑलिव ऑयल डालूँगी और उसके बाद 2 स्पून्स के करीब इसमें रॉ हनी डालूंगी और इसको अच्छे से सबको मिक्स कर लेते हैं और एक पेस्ट के फॉर्म में इसको तैयार कर लेते हैं और फिर अप्लाई करेंगे अपना मास्क. यहाँ पे अपने हेयर को अच्छे से कॉम कर लेना है ताकि मास्क लगाते समय हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, और अपने हेयर को डिवाइड कर लेना है 2 पार्ट्स में ताकि मास्क अच्छे से अप्लाई हो सके. सो स्टार्ट अप्लाइंग दिस मास्क फ्रॉम योर स्कैल्प टू टिप एंड अप्लाई वेरी नाइसली ऑन द टिप पार्ट ऑफ योर हेयर, बिकॉज दिस इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ योर हेयर और जिसको नरिशमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. तो बात करते हैं हम एवोकाडो की, जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है. एवोकाडो में अमीनो एसिड होता है जो बालों को कवर कर देता है और उसमें जो नमी होती है वो बाहर नहीं आने देता है. और एवोकाडो में विटामिन A, B6, D एंड E और कॉपर, आयरन जैसे बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बालों की स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं और जिससे बालों की ग्रोथ में भी हेल्प होती है. ये हेयर लॉस को भी रोकता है और बालों में मौजूद फ्री रेडिकल्स को निकालता है एंड हेयर फॉलिकल्स को खोल देता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ में बहुत ही हेल्प होती है. ऑलिव ऑयल कंटेन्स स्क्वालीन, जिससे आपको एक एक्सीलेंट कंडीशनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग मिलता है आपके हेयर को. और जो ये हेयर होता है वो बहुत ही लाइट में होता है, जो आपके हेयर को बहुत सॉफ्ट कर देता है विद इन जस्ट फर्स्ट यूज. इट ऑल्सो प्रमोट हेयर ग्रोथ. अब हम बात करेंगे हनी की. हनी हेल्प्स टू सील द वाटर इन द हेयर शाफ्ट. इट ऑल्सो रिमूव्स द ड्राइनेस एंड डैमेज फ्रॉम योर हेयर. तो ये टोटल जो हेयर मास्क है वो बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है आपके हेयर को टोटल रिपेयर करने के लिए. और इसको अप्लाई करना बहुत ही ईजी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं पूरा स्कैल्प में मैंने कवर करने के बाद मैं टिप एरिया को किस तरीके से कवर कर रही हूँ, क्योंकि टिप एरिया को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही ओल्डेस्ट पार्ट होते हैं आपके हेयर के, तो ये बहुत नीचे रहते हैं. तो आपको स्टार्टिंग के हेयर में आपको जो है वो नरिशमेंट मिल जाता है स्कैल्प से, लेकिन जो नीचे वाले हेयर होते हैं वो इसीलिए जल्दी ड्राई हो जाते हैं क्योंकि इनको नरिशमेंट पहुंच नहीं पाता है. तो इसीलिए जो टिप हेयर है उनको कवर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो अब मैं हेयर मास्क को पूरे अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, सारे हेयर में अच्छे से लग चुका है ये मेरा हेयर मास्क. मास्क अच्छे से कवर हो जाए पूरे हेयर में, तो मैं हल्की सी स्कैल्प की मसाज कर ले रही हूँ ताकि अच्छे से स्कैल्प में ये पूरे स्कैल्प में लग जाए. उसके बाद आप अपने हेयर को टाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको 30 से 45 मिनट्स के बाद ही हेयर वॉश करना है और आप अपने रूटीन के जो भी काम है वो आप उसके बाद फॉलो कर सकते हैं. तो मैंने इसको अच्छे से बैंड से कवर कर लिया है और बाकी आप ये वाली कैप लगा सकते हैं, जिससे कि आपके हेयर इधर उधर नहीं गिरें और आपके काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो. अब 30 मिनट्स के बाद मैं इसको वॉश कर दूंगी और इसका रिज़ल्ट आपके सामने शो करती हूँ. तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है. मेरे जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं. तो फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने ये जो हेयर मास्क है वो मैंने 2 बार अप्लाई किया है, मीन्स ये मेरा सेकेंड टाइम है और मुझे रिजल्ट जो है वो इसके आने लगे हैं. तो ये हेयर मास्क को आपको वंस इन अ वीक यूज़ करना है और कंटिन्यूसली 1 मंथ तक यूज़ करना है, तभी आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट आपको मिलेगा. क्योंकि जो भी हेयर ट्रीटमेंट या हेयर रिलेटेड आप कुछ भी DIY यूज़ करते हो, उसका रिजल्ट आने में मिनिमम 1 मंथ तो लगता ही है, तभी आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि वो ट्रीटमेंट आपके हेयर पे हो भी रहा है, रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है. तो हेयर ट्रीटमेंट के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है. तो मैंने भी सेकेंड टाइम यूज़ किया और मुझे लगा कि हाँ, मेरे बालों
में कुछ इसका असर दिखाई दे रहा है, लाइक मेरे आजकल मेरे हेयर लॉस हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उसमें मुझे फ़र्क नज़र आया। और उसके अलावा जो मेरे हेयर थोड़े से फ्रीजी थे, फ्रीजी तो है ही मेरे बाल, तो थोड़े से जो फ्रीजी थे उस पर थोड़ा सा मुझे इसका फ़र्क लगा है। तो एक बार आप भी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं आपको मिल जाएंगे ईजिली, तो आप भी अप्लाई कीजिएगा और मुझे इसका रिजल्ट बताइएगा ज़रूर। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नेहा व्लॉग्स अबिजान। अगर कोई भी रिक्वेस्टेड वीडियो है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके किसी भी रिक्वेस्टेड वीडियो को बनाने में। टिल देन बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।